कानपुर जो यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और ये पूरे भारत में चमड़े की वजह से ज़्यादा फेमस है। कानपुर में चमड़ा सबसे ज़्यादा बनता है और ये विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कानपुर में 10 सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन कौन सी हैं और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो भारत के हर बड़े राज्य से कानपुर में इजीली ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। यहाँ पर हर बड़े शहर से लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह से आपको ईजिली ट्रेन मिल जाएंगी। कानपुर में एयरपोर्ट भी है बट यहाँ पर लिमिटेड फ्लाइट्स चलती हैं। तो अगर आप बाई एयरपोर्ट आना चाहते हैं तो कानपुर आ सकते हैं, नहीं तो नियरेस्ट लखनऊ की बगल में ही है, 80 किलोमीटर की दूरी पर आप वहाँ आ सकते हैं। यहाँ का मेन जो बस स्टैंड है वो झकरकट्टी और फजलगंज है। तो 10वें नंबर पर जो हमारा है वो गंगा बैराज है। ये एक बहुत ही औसम प्लेस है और यहाँ पर आपको शाम का वक्त गुजारना आपके ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आएँ जब तो शाम के समय ही आएँ और बगल में ही अटल घाट भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ईज़िली यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे समय बिताया जा सकता है। और अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो बाबा आनंदेश्वर के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ भगवान भोलेनाथ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करके आपको बिल्कुल सुकून प्राप्त होगा। 8वें नंबर पर दोस्तों हमारा आता है कानपुर मेमोरियल चर्च। ये भी एक देखना अपने में अलग ही अनुभव है, तो यहाँ पर आप आएँ तो ज़रूर आएँ। सातवें नंबर पर जो आता है वो बालाजी का टेंपल है। ये सिटी से थोड़ा सा दूर पड़ता है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सलेमपुर इलाके में पड़ता है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको काफ़ी सुकून और रिलैक्स महसूस होगा। ये बिल्कुल ही एडोरेबल मोमेंट होगा आपके लाइफ का, यहाँ पर आपको आकर काफ़ी सुकून होगा। नंबर 6, कानपुर जू, जिसको कानपुर जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। ये एशिया के टॉप 10 जूलॉजिकल पार्क में से एक है। यहाँ पर आपको दिन में घूमने में 3 से 4 घंटे इजली समय पूरा कवर करने में लग जाएंगे। नंबर 5 दोस्तों, नाना राव पार्क, जो कि बाजीराव पेशवा के लड़के थे उनके नाम पे ये बनाया गया है और यहाँ पर घूमने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे घूमने के लिए आपको इजली समय लग जाए। अगर दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इनमें से कई प्लेसेस की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो 4थे नंबर पर हमारा है बिठूर, जहां पर सुधांशु आश्रम बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल, वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर रिलैक्स फील होगा यहाँ पर आने के बाद। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 3रे नंबर पर आएगा वो है जेड स्क्वायर मॉल, जो काफ़ी बड़ा मॉल है और ये कानपुर के बड़ा चौराहे पर ही बना हुआ है, मेन चौराहे पर ही है और यहाँ की अंदर की डेकोरेशन देखकर आपको बिल्कुल कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ आने के बाद। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और जैसा कि 2nd नंबर पर डेफिनेटली यही प्लेस बनता है, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क, जो बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है दोस्तों। और यहाँ पर आके एक दिन तो ब्लू वर्ल्ड में बनता ही बनता है। आप दिन में ब्लू वर्ल्ड घूमिए, फिर ड्राई पार्क घूमिए, इसका आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा आकर। और इसकी आप सेपरेट वीडियो आप मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और नंबर 1 पर दोस्तों है ये जेके टेम्पल, जो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। और यहाँ पर आप सुबह तो आ ही सकते हैं बट अगर आप शाम को आते हैं तो यहाँ की